नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आतंकवादी नावेद 45 दिन गुफा में छिपा रहा, 7 दिनों तक पैदल चला। उधमपुर में बीते बुधवार को बीएसएफ जवानों के एक काफिले पर हमला करने के बाद जिंदा पकड़े गए लश्करे तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद नावेद याकूब ने जांच अधिकारियों के समक्ष पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस दौरान उससे कई लोगों ने मुलाकात की। बताया जाता है कि नावेद को अपने किसी भी साथी आतंकी का असली नाम मालूम नहीं है, वह इन सभी को कोड नाम से ही जानता है। अखबार के अनुसार नावेद ने बताया कि वह फैसलाबाद का रहने वाला है। उसके पिता मजदूरी करते हैं जबकि माँ गृहिणी है। 5वीं क्लास के बाद वह कभी स्कूल नहीं गया और शुरुआत में अपने पिता के काम में मदद करता था। साल 2011 में नावेद लश्कर के संपर्क में आया। बशीर नाम का एक शख्स उसे लश्कर के फैसलाबाद वाले दफ्तर में ले गया था। उसी साल गारी हबीबुल्लाह में उसे 21 दिन की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद बशीर ने उसे मुजफ्फराबाद के लश्कर ट्रेनिंग कैंप में 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। इस दौरान उसे AK-47 समेत कई तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। कांग्रेस के 25 सांसदों का 5 दिन का निलंबन समाप्त होने के बाद लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले और ललित मोदी प्रकरण पर हंगामा सोमवार को भी जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सुबह 2 बार के स्थगन के बाद सदन में तीसरी बार 12:30 बजे समवेत होने पर अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखवाने शुरू किए। वैसे ही कांग्रेस के सदस्य बाजुओं पर काली पट्टी बांधे तथा हाथों में तख्तियां लिए अपने स्थान से उठकर आसन के सामने आ गए और वी वांट जस्टिस और फेंकू सरकार हाय हाय के नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच ही अध्यक्ष ने दस्तावेज पटल पर रखवाए। इसी बीच राजद के जयप्रकाश नारायण यादव और भाजपा के निशिकांत दुबे ने देवघर में कांवड़ यात्रा के दौरान भगदड़ के कारण 11 श्रद्धालुओं की मौत का मुद्दा उठाया, जिस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब भी दिया। स्पीकर ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि गंभीर मसले पर गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने शोर शराबा जारी रखा। इस्लामिक स्टेट ने की सीरिया में 37 लोगों की हत्या। सीरिया के अलेप्पो प्रांत में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने 37 विरोधी विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया और फिलहाल 20 लड़ाके अभी भी लापता हैं। सीरिया ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रमुख रामी अब्दुल रहमान ने कहा कि IS के एक आत्मघाती हमलावर ने विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तरी प्रांत के एक गाँव स्थित एक सैन्य ठिकाने के समीप स्वयं को बम विस्फोट कर उड़ा लिया, जिसमें 37 की मौत हो गई। मुठभेड़ के बाद IS आतंकवादियों ने गाँव पर भी कब्जा कर लिया। तुर्की में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर गोलीबारी। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में सोमवार को 2 हमलावरों ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर गोलियां चलाई। CNN तुर्क की एक रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों ने वाणिज्य दूतावास की इमारत पर गोलियां चलाई और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो हमलावर भाग निकले। हमलावरों में एक पुरुष तथा एक महिला थी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।